नमस्कार, एक नए क्रोशे के वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज भी मैं आपके लिए बहुत दिलचस्प चीज़ लाई हूँ। त्रिकोणी कपड़ा है ये, और ये त्रिकोणी कपड़ा बुनना मैं आपको सिखाऊंगी। इसका आप देख रहे हैं रंग मिश्रण बहुत अच्छा है, अलग अलग रंग का बना है। ये ऊन ही ऐसा है, आप देख सकते हैं अलग अलग रंग, नारंगी, भूरा, फिर मिंट टकसाल का रंग है, सफ़ेद, गुलाबी और फिर बैंगनी। तो ये जो त्रिकोणी शाल है ये बुनना मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा। ये मैंने मुड़ा हुआ, ये बहुत बड़ा है, मुड़ा हुआ है इसलिए मैंने इधर ऐसे रखा है। ये ऊन रिको डिज़ाइन का है, क्रिएटिव वुल नाम है इसका, और सुपर सिक्स लिखा है क्योंकि अलग अलग रंग आप इसमें देख सकते हैं, 6 अलग अलग रंग है। यहाँ पे 200 ग्राम और 800 मीटर का ऊन है ये। 4 नंबर की सुई से इसको बुनना है। यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हैं कि 30% ऊन और 70% पॉलीएक्रिलिक है इसमें, जो सर्दी के लिए तो बहुत ही गर्म है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए बुनना शुरुआत करते हैं इस तरीके से इसको। बहुत ही दिलचस्प है, बुनाई भी मैं आपको सिखाऊंगी, दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे बुना है। तो सबसे पहले बीच में से मैं धागा निकालूंगी। जैसे आप ऊन में ही देख सकते हैं बहुत अलग 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 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर, मैं थोड़ा सा ऊन बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, मुझे शायद, जी हाँ, ये धागा मिल गया मुझे। और मेरे पास सुई भी है, जो मैंने फिर जैसे मैंने आपको कहा 4 नंबर की सुई ली है मैंने पहले ही। और सबसे पहले मैं 4 टाके बुनूंगी। इस तरीके से मैंने 4 टाके अभी बुन लिए हैं। और आगे बढ़ते हुए इसको, ये धागा लेके मैंने इधर से इस तरीके से धागा निकाल दिया, फिर से 2 धागे और फिर उसमें से बाहर निकाल दिया। अब एक धागा बुन के फिर से नीचे से धागा लेके 2 धागों में से निकाल के, फिर से धागा लेके 2 धागों में से निकाल के मैंने धागा ले लिया। इस तरीके से आपको बुनते जाना है। फिर से जो 2 धागे इसमें से धागा निकाल दिया, एक धागा लेकर फिर से सुई में धागा लेकर 2 धागे, फिर 2 धागे में से और धागा लेकर फिर भी जो सुई पर 2 धागे उनमें से बाहर निकालनी है आपको, आपको धागा, यही आपको ध्यान में रखना है और बुनते जाना है। ये देखिए, ये है छोटा सा बुना हुआ पैटर्न जो कैसे लगता है। इस तरीके से उसको शेप आया है, देख रहे हैं आप, पैटर्न देख सकते हैं आप। अभी आपको पैटर्न अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा, पर आगे आप जैसे बुनते जाएंगे, वैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो वो अच्छी तरीके से खुलता और दिखता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगली बुनाई के साथ। तो अभी आपने जैसे देखा मैंने 6 टाके लिए हैं अगली बुनाई के लिए, और इन 6 टाकों में मैंने जैसे आपको बुनना सिखाया था वैसे ही मैं बुनते जाऊंगी। मैंने, ये देखिए, ये जो पैटर्न है इसके लिए, तो अब मैं धागा लिया, मैंने नीचे डाला यहाँ से,
फिर से ऊपर सुई में से निकाला धागा लिया, दो धागों में से निकाला, फिर से धागा लेके दो धागों में से सुई के जो ऊपर जो धागे हैं उसमें से मैंने निकाल दिया। इस तरीके से आगे मैं बुनती जाऊंगी और वो पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। और जब आप बुनना शुरू करेंगे उस तरीके से आपको पता चलता जाएगा कि नीचे से कौन से धागों में से धागा लेना है सुई पे और कहाँ से बाहर निकालना है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं और एक अंत का जो है धागा लूँगी, अंत की बुनाई करूँगी इस राउंड की अंत की बुनाई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पैटर्न इस तरीके से गोल हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बुनाई के साथ और अगले राउंड के साथ वही पैटर्न हम जारी रखेंगे और घुमा के फिर से वही वी पैटर्न जैसे आप देख रहे हैं वो हम बुनते जाएंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न अभी जो दिख रहा है उसमें ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और बुनाई शुरू रखेंगे। भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपको वी पैटर्न अंति धागों के पैटर्न यही बुनाई करनी है इसमें। और जैसे धागा आगे बढ़ता जाएगा वैसे रंग भी बदलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप ये थोड़ा सा जो त्रिकोण है वो देख सकते हैं, ऊपर त्रिकोण हो गया है। इस तरीके से ही आपको आगे बुनाई करती जानी है कि वो त्रिकोण बड़ा होता जाए। तो इस तरीके से आपको वी पैटर्न और तीन धागों का पैटर्न बुनते जाना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से और कहाँ सुई लेके धागा डाल रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने सुई ली और बुना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मैंने सुई लेकर, ये देखिए इस तरीके से मैंने सुई डाल के, कहाँ सुई डालकर मैंने वो धागा बुना है। अब फिर से ये देखिए, इधर मैं बुनूंगी। जी हाँ, यही समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पैटर्न अच्छे तरीके से आगे बुनता हुआ दिखाई दे। इस तरीके से अभी यह पैटर्न दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और
और मैंने आगे बुना, और अब आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न कैसे दिख रहा है, वी पैटर्न, और बीच में ये जो है पूरे तीन धागों वाले पैटर्न, इस तरीके से यहाँ पे वी पैटर्न और तीन धागों वाले पैटर्न बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो और ये अगर आगे मैं बुनती जाऊँगी और आगे बुनने के बाद आपको दिखाऊँगी जब रंग बदलेगा तब भी। अभी तो रंग वही है, फीका नारंगी रंग है, तो वही रंग है अभी, और आगे जब रंग बदलेगा इसमें तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये धागा कैसे बुनना है या फिर धागा कैसे दिखाई देता है। तो चलिए मैं आगे बुनना शुरुआत करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि धागा कैसे बनता है। और मेरा ये, जी हाँ, ये देखिए अब मैंने आगे थोड़ा बुना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रंग थोड़ा बदल रहा है, यहीं पे रंग थोड़ा बदल रहा था और अब भूरा रंग आ रहा है थोड़ा। मुझे ऐसा लगा था कि रंग जब बदलेगा तब एक रंग की गांठ होगी इसमें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रंग इस तरीके से उन्होंने बदला है कि जैसे ऊन में ही रंग थोड़ा सा बदलता गया है। ये बहुत ही अच्छी तरकीब लगी मुझे, या ये बहुत ही अच्छी ऊन है जहाँ पे कोई कोई गांठ नहीं है अलग रंग की, बट रंग ही ऊन में ही धीरे धीरे से बदल गया है। तो इस ऊन की मुझे ये खासियत बहुत अच्छी लगी। अब मैं आगे उसी तरीके से बुनाई कर रही हूँ और फिर मैं आपको अंत में दिखाऊंगी पूरा बुनने के बाद कि ये रंग कैसे लगते हैं और कितने सुंदर लगते हैं, ये देखिए। तो अभी मेरा पूरा बुन के हो गया है, पूरी शाल बुन के हो गई है, त्रिकोणी शाल बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं कि आप सारे रंग इसमें देख सकते हैं कि पहले नारंगी, फिर भूरा, फिर मिंट जैसा रंग था, फिर सफ़ेद, गुलाबी और बैंगनी तक, ये कैसे हो गया है। इतनी मेरे पास रह गई है ऊन, तो वी पैटर्न तो नहीं होगा या फिर दूसरा पैटर्न भी नहीं होगा, तो मैं थोड़ा इसको बुन रही हूँ और फिर एक बुनाई के बाद मैं इस ऊन को काट दूँगी। मुझे से लगता है कि ऊन बराबर पूरी हो जाएगी मेरी बुनाई के अंत तक, एक ही राउंड में पूरा कर पाऊँगी, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अंत की बुनाई मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से अंत की बुनाई कर रही हूँ मैं। और अब ये बुन के हो गया है और मुझे लगता है कि कुछ भी, ये पूरी ऊपर की बुनाई है जो मैं कर रही थी, और अब मेरे पास इतनी ही ऊन बाकी है, तो मुझे लगता है कि बराबर ऊन मेरी पूरी हो गई। और इस तरीके से अब ये धागा मैं बाद में लॉक कर दूंगी। धागा काट के आपको इस तरीके से, यहाँ भी मुझे धागा लॉक करना है, मैंने काट दिया है, ये अपनी शुरुआत थी, तो ये दोनों धागे मैं बाद में लॉक कर दूंगी। मुझे बताइए आपको ये तरकीब कैसे लगी, आपको ये शॉल कैसे लगी, त्रिकोणी और ये त्रिकोण कैसे लगा, ये रंग कैसे लगे, ये ऊन कैसे लगी। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और कमेंट्स में लिखिए। अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।